लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर बेवजह सड़क पर आने जाने वाले लोगों को उठक बैठक करवा कर वापस भेज दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, जहां प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखकर जहां जांजगीर चांपा जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिला कलेक्टर के आदेशानुसार संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जिसमें अति आवश्यक जरूरी सेवाएं मेडिकल इमरजेंसी के लिए आने जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ बढ़ते कोरोना के मामले को देखकर इस बार इमरजेंसी मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल खुलने की बस अनुमति है और बाकी सभी प्रशासनिक अमला और दुकानों को बंद करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए। नगर पंचायत नवागढ़ में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, जहां बेवजह घूमने वालों के ऊपर पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रही है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको चेतावनी दी जा रही है। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। सभी जगह आदेश विभाग पुलिस विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारी तैनात हैं। व्यक्ति को बाहर निकलने के अनुमति नहीं दिया जा सकता, बहुत ही इमरजेंसी होने पर मेडिकल पर्पज पर ही मेडिकल संबंधित कार्रवाई या उपचार की जाने पर हम सभी को घर में रहने के लिए बाकी हम शांति पुलिस विभाग लगा है, पुलिस और नगर पंचायत सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित।